ये अभी आपने इसमें क्या क्या डाला है? इसके अंदर हमने भी चम्मच जो है ना थूम डाला है, थूम लहसुन लहसुन सही है, और दो चम्मच खाने के जो है ना अदरक डाली है सही है सर, और इसके अंदर हमने खुशक प्याज शामिल किया है जी तकरीबन एक पाव खुशक प्याज। खुशक प्याज अगर आप सबज प्याज डाल सकते हैं। अच्छा सही, आपने खुशक डाला है? मैंने खुशक डाल दिया सही। और अब ये थोड़ा ब्राउन हो गया है तो मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है टमाटर। टमाटर ऐड किया, ये कितने ऐड किए हैं जी? टमाटर तकरीबन इसमें हम डालेंगे जी तीन पाव। सही है, तीन पाव डालेंगे। मैं जो है ना जी इस्तेमाल करता हूँ स्पेशल मुंबई बिरयानी, लेकिन इस बार हमने मुंबई बिरयानी मसाला लाया है तो ये भी आप डाल सकते हैं। इस बार हम इसको चेक करेंगे कैसी बनती है। अच्छा, इसके साथ चेक कर रहे हैं? जी जी। चलो चेक कर लिया है तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी स्पेशल मसाला, ऐड कर रहे हैं मुंबई में। सही, ये अभी हम इसको मसाला ऐड करेंगे। मेहरान वालू का ये आपके सामने जी, इसको आप पानी में मिला के डाल सकते हैं। और इस तरह मसाले ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हम दो खाने के चम्मच शामिल करेंगे। अच्छा, ये पूरा पाउडर है? ये पाउडर बनाया हुआ है इसमें शामिल। मेरे मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त है भाई, खाना पकाते हुए जो है दवाओं का इस्तेमाल करें, अल्लाह इसमें जायका डालेंगे भाई। अच्छा, ये कौन सी दवा है? चम्मच चलाने की दुआ है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। अच्छा, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। हमने ये 4.5 किलो चावल के हिसाब से पानी डालना है अभी। अच्छा, तो हमने उतना ही पानी डालना है जितने हमारे चावल हैं। चावल हैं ये 2 किलो हो गया। ये 2 किलो इसमें पानी आता है? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रंग आ गया जी, ये देखें जी, अभी से खुशबू आना स्टार्ट हो गई। ये सिंपल सी बिरयानी है भाई। अच्छा, सादा बिरयानी, पर आपका खर्चा नहीं है इतना। बिल्कुल बिल्कुल, चीज़ अच्छी बनेगी माशाल्लाह। ये आप जो उमूमन इधर उधर कोई फंक्शन हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी अभी। अभी इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 2 किलो का पानी और 4 किलो पानी, जितने चावल होंगे उतने ही हमने इसमें पानी। मैंने चावलों को ज़्यादा डुबोया है ना पानी के अंदर। जी जी, मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे डुबो दिए चावल। सही है, तो इसलिए मैं पानी कम डालूँगा सर। और अगर खुदा न खास्ता आधा घंटा पानी के अंदर चावल डुबोने पड़ जाएं तो फिर क्या करेंगे जी, फिर हम चावलों के 3 हिस्से पानी डालेंगे। सही, मतलब अगर 4.5 किलो चावल हैं तो 7 किलो पानी डालेंगे। सही, लेकिन मैं कितने डालें, 4.5 किलो चावल और 4.5 किलो पानी, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे तो बस वो उतना ही होगा। अभी इसको उबाल आएगा। 4.5 किलो चावल हैं जी जी बिल्कुल, इसके अंदर हम 5 चम्मच खाने के नमक ऐड करेंगे जी। हाँ, टेबल स्पून, 5 बड़े टेबल स्पून जी। 3 हो गए, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, थोड़ा सा और डाल, ये 5.5 उबल रहा है तो हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, 4.5 किलो चावल। चावल ये चावल थोड़ा सा अभी हम छोड़ेंगे, ढकना लगा दें इस पर, अभी हम इस पर ढक दें। माशाल्लाह हमारे चावल अभी दम पे आने वाले हैं ना, तो अनकरीब हम इनको इंशाल्लाह अभी दम पे लगाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अभी इनको दम पे लगा रहे हैं जी। अब देखते जाएं जी, हमने ये पहले रोस्ट बनाया था। सही, ये हमारे पास 2 चिकन थे 4 किलो, तो अभी हमारे इसको हमने पानी के अंदर मिक्स किया, इसको आप दूध के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, दूध के अंदर भी मिक्स होता है जी, दूध के अंदर ज़रा सेहत के लिए मुज़िर नहीं होता। और अभी हम इसके अंदर ये डालने वाले हैं, देखते जाएं, इस तरह डालना है। सही हो, और इसको इस तरह डालना है, क्रॉस यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर डाल दें, थोड़ा यहाँ पर डाल दें और यहाँ पर डाल दें, जो बच गया दरमियान में डाल, और इसके बाद जो है ना हम इसके हल्की आँच कर दिए, फ्लेम को थोड़ा लो कर दिए।
निकालने वाले हैं। जी जी सबर करो, हमने पैसे कमाने हैं। हम अभी चावल, हमारे चावल ये जी तैयार है। ओए होए माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, क्या खुशबू आ रही है जी। अब इसके अंदर एक पीस रखेंगे, ये वाह वाह, चम्मच लगाते जाओ और खाते जाओ। माशाल्लाह।